Okay, so the next topic is comparing very large and very small numbers. Okay, यहाँ पे मैंने x और y दो very large numbers लिखे हैं और यहाँ पे x and y are those very small numbers. यहाँ पे हमें क्या करना है कि we have to compare कि x y से कितना बड़ा है या y x से कितना बड़ा है and vice versa. वैसे ही कुछ तो यहाँ पे 1.4 into 10 raised to 9 है और डिनोमिनेटर 1.2756 into 10 raised to 7. We have to compare कि x y से कितना बड़ा है. क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर का पावर है 10 raised to 9, नीचे का पावर है 10 raised to 7. तो x बड़ा होगा y से, राइट? अभी हमें ढूंढ के निकालना है कि अप्रोक्सीमेटली वो कितना बड़ा है. तो इसके लिए पहले हम ये दो पावर्स को कंबाइन करके एक सिंगल पावर बनाएंगे. तो हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे, a raise to m upon a raise to n equal to a raise to m minus n. ओके, वी विल यूज दिस रूल ऑन पावर्स ऑफ टेंस. तो यहाँ पे आएगा 1.4 अपॉन 1.2756 इंटू 10 raise to 9 minus 7. राइट, 9 माइनस 7 क्या होगा? 2. तो 1.4 अपॉन 1.2756 इंटू 10 रेस टू 2. 10 रेस टू 2 को 100 लिख सकते हैं, राइट? 10 रेस टू 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी 10 इंटू 10 दैट इज 100. सो 1.4 अपॉन 1.2756 इंटू 100. तो इससे हमें क्या पता चलता है? x इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स दैट ऑफ y. यानी कि x की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू से 100 टाइम्स बड़ी है. तो आप अब बोलेंगे कि 1.4, 1.2756 ये अलग वैल्यूज है. यहाँ पे हमने अप्रोक्स वैल्यूज निकाले हैं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये दो वैल्यूज को ऑलमोस्ट इक्वल टू वन कंसिडर किया है, ऑलमोस्ट. दैट इज वाई वी रोट ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू. दिस वैल्यूज आर क्लोज, ये बहुत क्लोज है, 1.4 और 1.2756. इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट 0.1 का डिफरेंस है, राइट? 1.4 और 1.2756 में. इसलिए यहाँ पे भी हमने कंसिडर किया कि ये जो वैल्यू है 1.4 अपॉन 1.2756 इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन. सो फाइनल में बचा क्या? 100. सो वी कैन से दैट x इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स दैट ऑफ y, राइट? नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट केस ऑफ वेरी स्मॉल नंबर्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. और इस ये यूज करके टेंस को एलिमिनेट करेंगे. वो देखते हैं, 7 अपॉन 1.275 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 5. यानी कि 7 अपॉन 1.275 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 प्लस 5, यानी माइनस 1, राइट? सो 7 अपॉन 1.275 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 को हम 1 बाई 10 लिख सकते हैं बाय दिस लॉ, ए रेज टू माइनस m इक्वल टू 1 बाय ए रेज टू m, राइट? तो 1 बाय 10 हो जाएगा. सो इफ यू मल्टीप्लाई 10 टू 1.275 वी विल गेट 7 अपॉन 12.75. अब जैसे कि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला, यहाँ भी अप्रोक्सीमेट निकालना है. तो वी नो कि 7 टूज आर 14, पर यहाँ पे हमारे पास है 12.75. तो अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 7 बाय 12.75 विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू हाफ, राइट? क्योंकि 12.75 14 के करीब है. हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, राइट?
दैट इज वाई हम यहाँ पे 12.75 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 कंसिडर करते हैं और फाइनली वी कैन राइट y is approximately 2 times that of x, right? Approximately ध्यान रखना हमेशा, y is approximately 2 times that of x, क्योंकि approximate value निकाले तो x by y हमको आएगा 1/2, यानी कि जब x का वैल्यू 1 होगा तब अप्रोक्सीमेटली y का वैल्यू होगा 2. सो so, y इज बिगर, राइट? सो फाइनली y इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स दैट ऑफ x. सो जब हम वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज जो 10 के पावर है ना उनको एलिमिनेट करना है, राइट? बाय यूजिंग दिस लॉ, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. सो वहाँ पे फिर 10 के पावर्स की कटिंग हो जाएगी और फाइनली जो बचेगा उससे मल्टीप्लीकेशन करके अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढ के निकालना है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ऐड टू वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स. नाउ एडिंग टू वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, लेट अस सी दैट. एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स में भी सेम वही फंडा है, हमें दोनों के पावर्स इक्वल करने हैं, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगा. ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 1.2 इंटू 10 रेस टू 9 प्लस 3.9 इंटू 10 रेस टू 7. समझो ये है, राइट? इस टर्म की पावर है 9, इस टर्म की पावर है 7. हमें इन दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, राइट? सो पहले वो करते हैं, 3.9 इंटू 10 रेस टू 7 एंड 1.2 इंटू 10 रेस टू 9. सबसे छोटी पावर है 7, राइट? तो हम 9 को 10 रेस टू 9 को 10 रेस टू 7 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट अस सी, 3.9 इंटू 10 रेस टू 7 को वैसे ही रखा तो हमें 1.2 की पावर 7 चाहिए, राइट? हमें 7 कैसे मिलता है? यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, राइट? और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n विल बी इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, राइट? हमें यहाँ पे m प्लस एन की वैल्यू 7 चाहिए, एम की वैल्यू है 9, फाइनल वैल्यू है 7, तो एन की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2, राइट? ओके, सो हमें यहां पे 10 रेस टू माइनस 2 चाहिए, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? के इंटू 10 रेस टू एन, राइट? वहां पे एन की वैल्यू नेगेटिव तब आती थी जब हम डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव करते थे, राइट? हमें अभी नेगेटिव वैल्यू चाहिए एन की, तो वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट. सो कंसीडर दिस, 1.2 इंटू 10 रेस टू 9 और माइनस 2 भी चाहिए, तो 10 रेस टू माइनस 2 यानी 9 और माइनस 2 मिला के 7 हो जाएंगे. तो अब यहां पे हमें पॉइंट मूव करना है, लेट अस सी कैसे. माइनस 2 है ना, तो पॉइंट मूव्स 2 टाइम्स टू द राइट, 1, 2. सो यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग, हमें चाहिए लोएस्ट पावर 7, यहाँ पे है 9, राइट? 9 माइनस 2 इज 7. ये लॉ इस्तेमाल करके हमें और एक 10 रेस टू माइनस 2 की पावर चाहिए, तो यहाँ पे सेम 10 रेस टू माइनस 2 चाहिए, तो वो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 2 बार घुमाओ, 1, 2, तो वी गेट वैल्यू ऑफ 1.2 इंटू 10 रेस टू 9 एज 120 इंटू 10 रेस टू 7. ओके,
सो अब यहाँ पे सिंपल हो गया, दोनों का पावर सेम है, 10^7 जो पावर है वो कॉमन ले लो बाहर, इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. सो 120 प्लस 3.9, तो फाइनल आंसर विल बी 123.9 इंटू 10^7. दिस इज अवर फाइनल आंसर. दिस इज हाउ वी एड टू वेरी लार्ज नंबर्स. वेरी स्मॉल नंबर्स में भी सेम होगा. कंसिडर कीजिए 1.9 इंटू 10^-4 प्लस 3.7 इंटू 10^-6. ओके, यहां पे जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दो, एक 4 है एक 6 है, तो हमें 4 को 6 के फॉर्म में लाना है, राइट. तो यहां पे 3.7 इंटू 10^-6 वैसे रहने दीजिए, और 1.9 इंटू 10^-4 को हम कन्वर्ट करेंगे. 1.9 इंटू 10^-4, तो -4 को -6 में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, -4 इक्वल टू -6, वी नीड -2, राइट, -2 चाहिए. तो -2 लाने के लिए यहाँ पे 10^-2, -2 लाने के लिए वी मूव द नंबर 2 टाइम्स टू द राइट, 190 इंटू 10^-6. ओके, सो सेम हमने यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल की थी, सेम मेथड यहाँ पे इस्तेमाल की. यहाँ पे -6 है हमारे पास, वी नीड -6, हमारे पास है -4. -4 से -6 कैसे मिलेगा, -4 और -2 इक्वल टू -6, राइट. तो यहाँ पे भी सेम -4 है, -2 से 10^2 इंटू 10^-2 किया उसको, और डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ घुमाया कितनी बार, 2 बार, 1, 2. सो 190 इंटू 10^-6, सो यहाँ पे आएगा 190 इंटू 10^-6. सिमिलरली 10^-6 कॉमन लिया, 190 प्लस 3.7, 193.7 इंटू 10^-6, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो बेसिकली इसमें क्या स्टेप्स है फिर से बता देता हूँ. हमेशा जो व्हेन यू ऐड वेरी लार्ज नंबर्स, टू वेरी लार्ज नंबर्स, तो हमेशा जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगी, हमें सारे वैल्यूज उस पावर में चाहिए. तो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9, वी नीड दिस 9 to 7, तो 9 - 2 इज 7, राइट. तो वी नीड अनदर पावर हियर 10^-2, क्योंकि ये मैंने बताया आपको इस मेथड से, राइट. a^m इंटू a^n इक्वल टू a^m+n. तो यहाँ पे 3.9 इंटू 10^-7 वैसे ही रहेगा. 9 को 7 करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट को 2 बार राइट की तरफ घुमाया, बिकॉज वी नीड -2 ना, माइनस मतलब राइट की तरफ. तो मिला हमें 120 इंटू 10^-7. यहाँ पे सेम मेथड है ऑलमोस्ट, यहाँ पे -4 एक है और -6 एक है, राइट. हमें जो -6 है वो स्मॉलर नंबर है, -4 है वो लार्जर नंबर है, राइट. तो वी हैव टू कन्वर्ट -4 टू द फॉर्म ऑफ -6. यहाँ पे -4 को -6 करने के लिए -4 प्लस ऑफ -2, यानी -4 - 2, दैट इज -6. यहाँ पे भी सेम राइट की तरफ जाएंगे 2 बार, क्योंकि -2, दैट इज वाई 1.9 इंटू 10^-4 का हो जाएगा 190 इंटू 10^-6. सो फिर पावर कॉमन निकल के वी एड बोथ ऑफ देम, दैट इज अवर फाइनल आंसर.